नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। सिरफिरे ने माँ व बेटी की हत्या कर शव को अपने घर में गाड़ दिया। घटना जौनपुर शहर के तारापुर मोहल्ले की है। डीएम व एसपी की मौजूदगी में पुलिस ने कमरा खोदकर बरामद किया शव। आरोपित गिरफ्तार। पुलिस ने सौतेले पिता को भी लिया हिरासत में। अब खबरें विस्तार से। जौनपुर शहर के तारापुर मोहल्ले में गुरुवार को दिल दहला देने वाली घटना प्रकाश में आई है। सिरफिरे युवक ने युवती की मां व छोटी बहन को अगवा कर हत्या करने के बाद शव अपने ही घर के कमरे में गाड़ दिया। आरोपित की निशानदेही पर पुलिस ने शवों की खुदाई कर बरामद कर लिया। आरोपित के सौतेले पिता को भी पुलिस ने संलिप्त होने के संदेह में हिरासत में ले लिया है। तारापुर मोहल्ला निवासी मिराज उर्फ मैसर ने बीते 16 मार्च को सराय पुख्ता पुलिस चौकी में तहरीर दी कि उसकी पत्नी अनीसा 40, बेटी बीना 10 वर्ष व 5 वर्षीय बेटे मोहम्मद को पड़ोसी अब्दुल उर्फ पुल्लू अपने साथ लेकर चला गया। अनीसा अपने साथ 30,000 रुपये व जेवरात भी ले गई। काफ़ी तलाश करने के बाद भी पता नहीं चल रहा है। उस दौरान पुलिस तहरीर लेकर हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। आरोपित मिराज की बड़ी बेटी से एक तरफा प्यार करता था, इससे अजीज आकर उसकी बेटी दिलदार नगर गाजीपुर अपनी मौसी के घर चली गई। हालांकि एसपी राजकरण नायर के अनुसार 23 मार्च को पीड़ित की तहरीर देने पर मामला संज्ञान में आने के बाद बुधवार की देर रात पुलिस ने अब्दुल उर्फ पुल्लू को गिरफ्तार कर लिया। काफ़ी गुमराह करने के बाद कड़ाई से पूछताछ में पुल्लू ने अनीसा व बीना की 10 मार्च को गला घोटकर हत्या करने के बाद शव अपने घर में गाड़ देने की बात कबूल की। घटना के बाद से ही आरोपित व उसका परिवार घर में ताला लगाकर फरार हो गया था। गुरुवार को दोपहर में आरोपित की निशानदेही पर डीएम मनीष कुमार वर्मा व एसपी की मौजूदगी में पूरे इलाके की घेराबंदी कर पुलिस ने 2 घंटे कमरे की खुदाई कराकर माँ बेटी का शव बरामद कर लिया। पूछताछ में इस जघन्य वारदात में आरोपित के सौतेले पिता 1 लाख की संलिप्तता का राजफाश होने पर पुलिस उसे भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस मामले में एसपी राजकरण नायर ने बताया कि घटना की जानकारी होने के बाद आरोपित को सर्विलांस के जरिए गिरफ्तार कर लिया गया। वह मोहम्मद को लेकर मुंबई भागने की फिराक में था। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। दिनांक 23 मार्च 2021 को श्री मिराज पुत्र बाबू हुसैन द्वारा थाना कोतवाली पे आकर के सूचना दी गई कि उनकी पत्नी उनके 2 बच्चे बीना उर्फ मोहम्मद के साथ घर से भाग गई हैं और उनका जो पड़ोसी है अब्दुल उर्फ पुल्लू उनकी पत्नी को भगा करके ले गया है। इस संबंध में उन्होंने अपनी पत्नी की जाने की सूचना और सूरज का फ़ोन नंबर अब्दुल उर्फ पुल्लू का फ़ोन नंबर पुलिस को उपलब्ध करवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अब्दुल के फ़ोन नंबर को टेक्निकल सर्विलांस पे लगा करके हमारी टीम इस पे लग गई। अब्दुल जो कि उस समय अलग अलग जगहों पे अपना फ़ोन ऑन करके ऑफ़ करके भाग रहा था, उनको हमारी टेक्निकल टीम ने बड़ी मुश्तैदी से, बॉम्बे भागने के चक्कर में था अब्दुल, उसको बड़ी मुश्तैदी से हमारी टेक्निकल टीम ने पकड़ा। और उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि अनीशा जो कि मिराज की पत्नी है वह अपने पहले पति जो कि बनारस में रहने वाले हैं और अनीशा का पहले पति से 17 साल का सुपुत्र है उनके साथ बनारस में है और यह नहीं जानता है कि वो इस समय कहाँ है। उसके टीम के द्वारा जब बनारस से क्रॉस चेक किया गया तो जानकारी हुई कि अनीशा बनारस में नहीं है। फिर आगे की फर्दर पूछताछ में जब जानकारी हुई तो पता तो अब्दुल ने इस चीज़ को कबूल किया कि इसने अपनी माता के दूसरे शौहर 1 लाख के साथ मिल करके अनीशा और उनकी बेटी बीना इन दोनों का गला घोंट करके मार दिया और अपने ही घर में उन दोनों की लाश को दफना करके यह जो मोहम्मद जो सबसे छोटा बच्चा था मेहर का उसको साथ लेकर के यहाँ से निकल गया और यहाँ से उसको लेकर के बॉम्बे भागने की फिराक में था। पुलिस ने मोहम्मद जिसकी उम्र 5 साल है उसको रिकवर कर लिया है, सकुशल रिकवर किया है और जो दोनों अनीशा और उनकी पुत्री बीना अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर से ही मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में वीडियोग्राफी करवाते हुए उनकी बॉडी को एग्ज्यूम करवाया गया है, जिन्हें अब पीएम भेजा जा रहा है। पीएम की रिपोर्ट आने के बाद आपको फर्दर जानकारी दी जाएगी। और हमारी जो इनके पति ने 23 तारीख को थाने पे सूचना दी थी जिस पर अभियोग पंजीकृत किया था उसको उपयुक्त धाराओं में तरमीम करके आगे की विवेचना चल रही है। जो भी प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। अभी तक जो पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया है उसके द्वारा बताया गया है कि मिराज की एक पुत्री मुस्कान से अभियुक्त की लॉकडाउन के समय दोस्ती हुई थी, जिसका
जिसके साथ अब्दुल मिलना चाहता था, और इसी की जानकारी उसकी माता श्री को ना हो जाए इस संबंध में उसको लगा कि वह मुस्कान के साथ जल्दी से यहाँ से निकल जाए, क्योंकि मुस्कान अभी यहाँ पे नहीं आई है, वह अपनी मौसी के पास है, एक बार वो आ जाएंगी तो उनसे बात करके आपको फर्दर आगे बताया जाएगा। सर 16 तारीख को भी एक तहरीर, 16 को तहरीर पड़ी थी, पर हत्या कब हुई है सर? ये अभी पोस्टमार्टम में टाइम सिंस डेथ पूछा जाएगा, जो हमको अब तक अभियुक्त ने बताया गया है, जो मिराज ने 23 तारीख को हमको एक तहरीर दी थी उसमें उनके द्वारा बताया गया था कि 10 तारीख को उनकी पत्नी घर से भाग गई है, और फ़ोन पे उनकी पत्नी का फ़ोन चल रहा है जिसपे जब वो फ़ोन कर रहे हैं तो पुल्लू से बात हो रही है, और उनके द्वारा बताया गया कि शुरुआत में अपनी रिश्तेदारी में वे अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे, और जब पत्नी नहीं मिली है तब वो हमारे पास आए हैं। अभियुक्त का कहना है कि उसने 10 तारीख को ही इनकी पत्नी की हत्या करके उनकी लाश को यहाँ दफना दिया था। इसी संबंध में अभियुक्त के जो घर वाले हैं उनके लिए भी एक टीम बना दी गई है ताकि उनसे ही पूछताछ में आगे चीज़ें आएँ, जो भी फर्दर चीज़ें हमारी विवेचना में आएंगी उनसे आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कितने लोग गिरफ्तार किए गए सर? अभी 2 लोग हमारे पास आए हैं, एक अभियुक्त और एक अभियुक्त ने जो अपनी माता के दूसरे पति 1 लाख के बारे में बताया है, इन दोनों से पूछताछ कर रही है, और पूछताछ के बाद जो भी हमको पता चलेगा हम बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर।